नमस्कार। जंगल की रक्षा करना और उनके साथ साथ जंगल को बढ़ावा देना, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम रहता है। फिर भी गोवा सरकार का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जंगल को बढ़ावा देने के नाम से नैसर्गिक उबला हुआ जंगल काटकर बड़े बड़े जंगलों को अंदर से अंदर खोखला बना देते हैं। इसी मुद्दे को लेकर के मैंने 2 साल पहले एक वीडियो बना दिया और काफ़ी प्रयासों के बाद अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये काम बंद करना पड़ा। नैसर्गिक रूप से जो जंगल होता है उस पर जंगल के जानवर और वहाँ के नज़दीक वाले आम आदिवासी लोग उस पर ही निर्भर रहते हैं, इसीलिए ये जंगल काटना उचित नहीं है। फिर भी हमारे गोवा के दक्षिण विभाग में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ही नैसर्गिक रूप से उबले हुए जंगल काट देते हैं और वहाँ नए पेड़ पौधे लगा देते हैं। पहले हमें पे राना झाड़ा आसली ती बोरी वक्ताजी बोरी सगळे जनावरांक गोरवांक पाल खावपाक मेळटाली। आतां पे फॉरेस्टान झाड पळय हाडून लायल्यात ते एक जनावरां खावपाचें न्हू गोरवांक खावपाचें न्हू ती सगळीं पाडे झाडां जळावूळ लाकूड हाडपा वता आसतना सामान्य मनशाचे कारवाई जाता, जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अशी हजारां झाडांची कत्तल करता, जाल्यार तेंचेर कारवाई जावपाकच जाय। इसीलिए हम लोगों ने जो फॉरेस्ट के मुद्दे पर वीडियो बनाया था वो वीडियो हमारे इलाके के हर गांव में रात को स्क्रीनिंग करके दिखा दिया और गांव के लोगों को जंगल के बारे में सही की सही जानकारी दे दी। पत्रकारिता करीत आसतना देविदास गांवकर हो वीडियो वॉलंटियर्स या एनजीओ भितर वीडियो तैयार करपाचे काम करतालो आणि मुळात आम्ही जो सुरुवाती विषय जो ठरवलो तोच विषय घेऊन त्यांनी त्याच्यावर व्हिडिओ तयार केला आणि हा जो व्हिडिओ असा गावागावांनी आम्ही दाखवलो। 1 वर्षा फाटी आमच्या गावात आवळे हंगा एक मिटींग झाली, त्या मिटींगेक देवदास गावकर आयल्लो। ताणें आमकां व्हिडिओस दाखयले की नॅचरल जी झाडां आसा कशीं बरीं आसता ताजे स्लायड शो दाखयलो आनी आमच्या गांवांत अवेरनेस केलें। ताका लागून अशें जें अवेरनेस आसा तें गांवभर कळपाक जाय, जाणें करून नॅचरल झाडांचें इम्पोर्टंट आमच्या गांवांत सगळ्यांक आणि तसेच हेर गावांनी कळपाक जाय। आप गाँव में कितना भी अच्छा काम करो, जब तक अपने काम की सही जानकारी गाँव के लोगों तक नहीं पहुँचती है तब तक आपके काम की कोई कीमत नहीं होती है और इसी का फ़ायदा गाँव के काफ़ी लोग लेते हैं और अच्छे काम करने वालों को बदनाई के खाई में ढकेल देते हैं। फाटल्या काही वर्सांनी सबंद गोंयभर जे रान आसा थंय आनी रान वाडोवपाच्या निमित्तान फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच रान मारपाचे काम करताले, म्हणटकी ह्या संदर्भात आम्ही व्हिडिओज फोटोज लोकांक दावून पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन करून लोकांक ताजे खरे कितें आणि वाईट कितें हे आम्ही दाखवून दिवपाचो प्रयत्न केलो आणि लोकांमध्ये जागृती केली। स्थानिक लेवलार लोकांमध्ये जागृती करून जायना जाल्यार ते शासकीय लेवलाचेर बी जावपाक जाय, त्या अधिकाऱ्यांकय समजावपाक जाय। हेच लक्षात दवरून आम्ही स्थानिक जे RFO असले तांकां एक आम्ही हाजे संदर्भातले निवेदन दिले। त्याचबरोबर आमचे काणकोणचे आमदार आणि गोय राज्याचे खेळा मंत्री श्री रमेश तवडकर हांकांय आम्ही एक निवेदन दिले आणि तशाच पद्धतीने आम्ही एक निवेदन जे वन मंत्रालय जे पणजेक असा त्या वन अधिकाऱ्याक आम्ही दिले आणि हातूतल्यानच हे रान मारपाचे जे काम असा ते खूप बंद झाले। खूप बरं परिणाम दिसपाक लागलो की पहिले रान जेन्ना मारताले पळय तेन्ना आमकां मेन रोडा वेल्यान कितलेशे पयस पयस जंगलांतले भितरले भाग पळोवंक मेळटाले, पूण आज तशें ना। आज परत एकदां बऱ्यापैकी रान फुलूंक लागलेलें आमकां दिसपाक पडटा। ये सफलता हमको काफ़ी प्रयास करने के बाद मिली है। अगर इस तरह की समस्या आपके गांव में या आपके समुदाय में हो तो आप सब लोग इकट्ठा होकर के अपनी आवाज़ खुद बन जाओ, क्योंकि खुद का भला करने से समाज का भला नहीं होता है, लेकिन समाज का भला करने से समाज के साथ साथ खुद का भी भला हो जाता है। इसी तरह के कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे। इंडिया नर्ड के लिए मैं देविदास गांवकर गोवा से।